इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा दो पीडीएफ फाइल हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा दो पीडीएफ फाइल है, दोनों ही मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। पहले वाला बस 2 पेज का एक छोटा सा जिस्ट है और ये सेकंड वाला 34 पेजेस का एकदम डिटेल्ड सिलेबस है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये 34 पेजेस के आगे ये 2 पेजेस ऐड हो जाए। टोटल 36 पेजेस का मैं एक पीडीएफ फाइल चाहता हूँ। सबसे पहले आपको जो करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। सबसे पहला वाला जो लिंक, उसको क्लिक करते ही आपको ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप ये ट्रिक फ़ोन में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ फाइल करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरा कंप्यूटर में यहाँ पे आप लोकल डिस्क ई डी सी आप कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप फ़ोन का फाइल मैनेजर ऑन हो जाएगा। अगर आप फ़ोन में कर रहे हैं तो वहाँ से आप फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। आपको जो भी फोल्डर पहले रखना है, मतलब जो पेजेस आपको पहले चाहिए, वो आप सिलेक्ट करें और ओपन कर दीजिए। यह यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको मर्ज फाइल ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये वाला प्रो है, आपको प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। वहाँ पे आप पेजेस को अरेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप अगर चाहते हैं कि वो 34 पेजेस के बीच में अगर 2 पेज आप रखना चाहते हैं तो आप इस वाला ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको खरीदना पड़ेगा। फ्री में ये वाला है, बस दोनों पीडीएफ ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको चूज ऑप्शन करना है, यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करना है, चूज फाइल, देन आपको सेकंड वाला पीडीएफ सिलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आपको नेट का स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा ये अपलोड होने में। मेरा तो स्पीड बहुत ही स्लो है। चलो हो गया। अभी यहाँ पे मार्च पीडीएफ पे सिलेक्ट कर दो। अभी यहाँ पे एक प्रीव्यू आएगा। अभी आप देख सकते हो ये 2 पेजेस पहले आ गया, उसके बाद डिटेल सिलेबस स्टार्ट हुआ है। अभी यहाँ पे आप डाउनलोड का राइट में जो ड्रॉप डाउन एरो है इसमें सिलेक्ट करो और सेव टू डिवाइस कर दो। अब देख सकते हो डाउनलोड हो भी गया। इसको अब ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। ये देख लो, मेरा पीडीएफ अभी 36 पेज का बन गया और ये पहले ये 2 पेज, उसके बाद मैं जैसे चाहता था ऐसे ही हो गया। तो अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।